हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.63 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। द पोटेंशियल ऑफ एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर आउटसाइड ऑफ विच अ पॉइंट चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द स्फीयर सेंटर इज, यानी आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसी अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर जिसके बाहर क्यू चार्ज रखा है उसके सरफेस पे, जबकि दिया हुआ है कि उस पॉइंट चार्ज को सेंटर से एल डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार समझें। एक बार पहले चित्र समझ लें। ये एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है और इसके सेंटर से एल डिस्टेंस पर आउटसाइड एक चार्ज पार्टिकल प्लेस है। यह एल डिस्टेंस पर एक चार्ज पार्टिकल प्लेस है क्यू, और हमें इस अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर जो कि इस चार्ज पार्टिकल के रखने से पहले अनचार्ज्ड था के सरफेस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो यहां पर ध्यान दें कि चूंकि ये कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है तो क्लियरली इस चार्ज की प्रेजेंस से इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा इस सरफेस पे। यहां पर एक बात पे ध्यान दें कि एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर बोला गया है इस स्फीयर को, क्योंकि किसी कंडक्टिंग सिस्टम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर होते हैं और इस तरीके के सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कंडक्टर पर नेट चार्ज जीरो होता है। जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी कंडक्टर की विसिनिटी में प्रेजेंट किया जाता है तो उसकी प्रेजेंस से अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस के कारण डिफरेंट डिफरेंट नेचर के चार्जेस में मूवमेंट स्टार्ट होती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबली स्मॉल होता है तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्ट होकर नियरर लोकेशन पे शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। सो इस क्यू चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस इस अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस को चार्ज्ड बना देगी। इसमें नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मान लीजिए इस क्यू चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस से इस कंडक्टर का नियर रीजन निगेटिवली चार्ज्ड हो गया। अब क्लियरली चूंकि ये कंडक्टिंग प्लेन कंप्लीटली न्यूट्रल था और चूंकि इस चार्ज पार्टिकल को केवल इसके सामने प्रेजेंट किया गया है, इसे टच नहीं कराया गया है इस कंडक्टर से, तो बिना इसकी टचिंग के इस कंडक्टर का नेट चार्ज जीरो ही आना चाहिए। यहां पर आप ये बात ध्यान दें कि किसी कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज को इंड्यूस किया जा सकता है लेकिन नेट चार्ज की वैल्यू को बदला नहीं जा सकता। यह बात बिल्कुल क्लियरली समझे कि इस कंडक्टर पे जितना चार्ज पहले था जिसका नेट वैल्यू जीरो था, यह बात बिल्कुल क्लियर समझे कि अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर बोलने का अर्थ यही है कि यह न्यूट्रल स्टेट में था, इस पे सभी एटम अपनी न्यूट्रल स्टेट में थे लेकिन इस चार्ज की प्रेजेंस से एटम्स के ही इलेक्ट्रॉन्स अपनी आउटर सेल से फ्री हो गए और उनके मूवमेंट से कुछ रीजन पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और कुछ रीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, जिसकी वजह से एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इस सरफेस पे चार्ज का देखा गया। अब चूंकि इस स्फीयर पर नेट चार्ज कंटेंट जीरो था तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंगली ये कहा जा सकता है कि अभी भी इस स्फीयर के सरफेस पे नेट चार्ज का मैग्नीट्यूड जीरो ही होना चाहिए। यहां पर यह बात ध्यान दें कि केवल एक आइडिया के लिए मैं कुछ रीजन पे माइनस और कुछ रीजन पे प्लस बना रहा हूं, यह बात क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन कर पाना डिफिकल्ट होता है लेकिन क्वालिटेटिवली हम इस बात को एक आइडिया से इस सरफेस पर शो कर पा रहे हैं। एक बात और समझें, इस चार्ज का जो नेट सम है उसका वैल्यू जीरो होगा ऑन द कंडक्टिंग स्फीयर, ये कहा जा सकता है। ऐसा चार्ज कंजर्वेशन के बेस पर कहा जा सकता है। सो अब हमें इस इंड्यूस्ड चार्ज और इस चार्ज के कारण इस सरफेस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। यहां पर आप ध्यान दें
कि इस स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर मैथमेटिकली पोटेंशियल को कैलकुलेट करना कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि इस सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है और उस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मालूम है। सो इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाले स्फेयर और इस चार्ज के कारण इस सरफेस पर कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, यह कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं ये कैलकुलेट करना चाहूंगा कि इस सिस्टम के द्वारा इस स्फेयर के सेंटर पर कितना पोटेंशियल डेवलप होगा। सो पहले एक बार सेंटर पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट को मैं ओ डिफाइन कर ले रहा हूं, तो इस चार्ज पार्टिकल के कारण इस सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल को लिखा जा सकता है वी ओ इक्वल टू 1/4πε0Q/L। यहां पर ध्यान दें, यहां पर मैं एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, इनफाइनाइट को रिफरेंस लेते हुए। अब अगर हम इस स्फीयर के सरफेस पर इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहें, तो क्लियरली इस सरफेस के किसी अमाउंट डीक्यू के कारण, आप मान ले कि इस सरफेस की इस पोजीशन पर जो चार्ज डेवलप हुआ है वो डीक्यू मैग्नीट्यूड का है। सो इस डीक्यू के कारण आर रेडियस को मानते हुए इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा इनफाइनाइट के रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली, वो होना चाहिए 1/4πε0dQ/R। यहां पर ध्यान दें, इस Q को इस Q से कनेक्ट ना करें, क्लैरिटी के लिए मैं इस स्मॉल Q को कैपिटल Q से कन्वर्ट कर रहा हूं। हम जानते हैं कि जो डिफरेंशियल स्मॉल एलिमेंट लिया जाता है वो किसी चार्ज से एफिलेट होता है, तो इस Q से इस dQ को आप कनेक्ट ना करें, इसीलिए इस नोटेशन को चेंज कर दिया गया है। अब इतना पोटेंशियल ये एलिमेंट डेवलप कर रहा है और ऐसे कई एलिमेंट सिमिलर डिस्टेंस आर पर इस स्फीयर के सरफेस पर प्रेजेंट है, सो उन सभी एलिमेंट्स का नेट डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए मैं इस एक्सप्रेशन में एक सिग्मा समेशन अप्लाई कर रहा हूं। सो ओ पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल डेवलप होगा वो इस चार्ज के और इस स्फीयर के सरफेस पर चार्जेस जो प्रेजेंट है उनके द्वारा बनाए गए पोटेंशियल का सम होगा, और इस पूरी प्रक्रिया में इनफाइनाइट एक रेफरेंस पॉइंट का रोल प्ले कर रहा है। अब ध्यान दें, अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4πε0Q/L + 1/4πε0 1/R into σdQ। और क्लियरली चूंकि हम जानते हैं कि Q का नेट वैल्यू इस पूरे स्फीयर के सरफेस पर जीरो है, जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो इस Q नेट को कंप्लीटली जीरो कंसीडर करते हुए इस सिग्मा समेशन की वैल्यू को जीरो अप्लाई किया जा सकता है। सो आप समझ सकते हैं कि जीरो अप्लाई करने पर यह टर्म जीरो हो जाएगा और जो पोटेंशियल हमें ओ पॉइंट पर मिलेगा उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1/4πε0Q/L। अब इस सिस्टम के कारण इस स्फीयर के चार्ज और इस चार्ज पार्टिकल के कारण ओ पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा चुका है, और हम कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर किसी प्रकार का एक्सट्रानियस चार्ज प्रेजेंट नहीं किया गया है तो इंडक्शन के द्वारा डेवलप्ड चार्जेस का इनर रीजन पर कोई इफेक्ट नहीं। आप जानते हैं कि जब तक इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल प्लेस न करा दिया जाए एक्सट्रानियस चार्ज, तब तक इस इनर रीजन पर किसी प्रकार की इलेक्ट्रिक लाइंस डेवलप नहीं होंगी, और चूंकि ये कंप्लीट रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री है तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो फैक्टर है जिसके कारण पोटेंशियल वेरी करता है। सो इस कंप्लीट रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड लेस होने के कारण जो पोटेंशियल सेंटर पे कैलकुलेट हुआ है वही पोटेंशियल इस कंप्लीट रीजन और इसके अलावा इस सरफेस के किसी पॉइंट पर एप्लीकेबल होना चाहिए। सो हम ये कह सकते हैं कि इस स्फीयर के सरफेस के किसी पॉइंट पर भी पोटेंशियल का वैल्यू 1/4πε0Q/L ही होगा। सो इस तरह से आप इस स्फीयर के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
सो इनडायरेक्टली आपको यह सवाल करना पड़ा। कई क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम पूछता है जिसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। सो ऐसे केसेस में कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी जो हम अपने थ्योरी पार्ट में पढ़ते हैं उसे अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। थैंक यू।